नमस्कार दोस्तों, गोहिल सोइंग मशीन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं हेमिंग फोल्डर, जिससे आप कपड़े की धारी मोड़ सकते हो। जो भी कपड़े में आपको धारी मोड़नी है उसके लिए हेमिंग फोल्डर आता है। हेमिंग फोल्डर आपको हर साइज़ में मिल जाएगा। ये जो है 18 मीन्स 3 mm, ये जो 516 है मीन्स 8 mm, और ये जो है 1/2 मीन्स 12 mm। इसमें आपको 1 inch तक आपको हेमिंग फोल्डर रेडी में मिल जाते हैं। तो आज हम आपको ये फोल्डर कैसे लगाने हैं और कौन कौन से पर्पज़ में उपयोग आते हैं वो बताएंगे। ये हमने एक सैंपल बनाया हुआ है। ये हैंकर चीप मीन्स के हाथ रुमाल को हमने इसको हेमिंग किया हुआ है। ये देखिए, ये आपका कपड़ा मोड़ देगा और पीछे से फिनिशिंग वाली स्टिच हो जाएगी, तो आपके कपड़ा कंप्लीट दिखेगा। ये आपका हैंकर चिप हो गया, आपके बेड शीट हो गई, आपके नाइटी में हो गया, हर जगह पे आपको धार मोड़ने के लिए फोल्डर बहुत ही काम लगता है। और ये आप आसानी से उपयोग करके इससे धार मोड़ सकते हो। 3 mm से लेके आपको 24 mm तक के फोल्डर हमारे वहाँ रेडी में मिल जाएंगे। आपको ये फोल्डर की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं और वीडियो में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके उसकी इंक्वायरी कर सकते हो। अब हम आपको ये जो फोल्डर है 516 वाला, वो फोल्डर कैसे लगाना है वो अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये फोल्डर आपको लगा के बताते हैं। आपके मशीन में यहाँ पे 2 holes हो गए, उसके अंदर आपको फोल्डर फिट कर देना है। हमारा वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। हम आपको ये फोल्डर पे ये जो हैंकर चिप है उसको पूरा हेमिंग करके बताने वाले हैं। और ये फोल्डर की डिमांड हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा फोल्डर ये सेट हो गया हुआ है। ये फोल्डर में ऐसी सुविधा है, अगर आपको सिलाई करना है तो आप इसको यहाँ पे रख के आपका सिलाई का काम भी निपटा सकते हैं। और आपको जैसे भी फोल्डर का काम करना हो आप फोल्डर को यहाँ वापस ले लीजिए और आपका हेमिंग जो भी करना है वो आप काम कर सकते हो। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा वीडियो आगे देखते रहिएगा जो हमने आपको हेमिंग करते हुए बताया हुआ है। तो हमारा वीडियो आप चालू रखिएगा और देखते रहिए।